हैप्पी एनिवर्सरी द मोस्ट ब्यूटिफुल कपल. वन मेंबर ऑफ कपल इज हियर, वन मेंबर ऑफ कपल इज देयर. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में. तो लास्ट व्लॉग में आप सबने देखा था, हम लोग गए थे नथुला पास चांगू लेक. और आज का व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी यहाँ का स्पेशल एक थाली मैंने जो ट्राई किया था वो. और आज मैं आप लोगों के साथ एमजी मार्केट भी घूमूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का प्राइस वगैरह क्या है, कैसे क्या सामान मिलता है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. तो चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए, कहीं मत जाइएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो चैनल में. लेकिन रेडी तुम लोग बोलोगे तब फोटो 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 ले लेते हैं. तो चलिए, फ्रेंड का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग आ गए हैं एमजी मार्ट में और यहाँ पे करेंगे सबसे पहले डिनर. तो यहाँ का जो आज स्पेशल थाली है वो हम लोग ट्राई करने वाले हैं. निम्थो तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं निम्थो में और ये सेकंड फ्लोर में हम लोग आ गए हैं. फर्स्ट फ्लोर में पूरा फुल था तो हमने सेकंड फ्लोर आया है और यहाँ का सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे झोल मोमो, जो कि काफ़ी टेस्टी है. सुना है यहाँ पे वेज नॉनवेज दोनों ऑप्शन है, जो चाहे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं. तो हमने वेज ही मंगाया, नॉनवेज ख़त्म था, चिकन वाला मिला नहीं. और उसके बाद हमने ट्राई किया यहाँ का बेस्ट थकाली थाली, जो कि यहाँ का लोकल है, नेपाली थाली है ये. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेकोर करके देता है और जो भी दिया है ना यहाँ पे सारा कांसा का बर्तन में दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था. और ये नॉनवेज थाली है, हमने चिकन मंगाया है साथ में. तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर. तो चलिए देख लेते हैं थाली के अंदर क्या क्या है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीन तरह का अचार दिया है. उसके बाद आलू फ्राई है, ये है काली दाल, उसके बाद है चिकन. चिकन काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में. और ये है और एक तरह का दाल, और साग है और सैलेड है, थोड़ा सा राइस है. तो काफ़ी टेस्टी था और इसका नाम है थकाली थाली. तो यहाँ का एक लोकल डिश हमने ट्राई किया, दो डिश हमने ट्राई किया, एक झोल मोमो और ये थाली. काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा. और यहाँ का डेकोरेशन कुछ इस तरह का था, मिट्टी के बहुत सारे बनाए गए थे जगह जहाँ पे कुकिंग वगैरह सब कुछ शो किया गया था. तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट था ये. कांसा के बर्तन में खाने को मिला था हमें.
तो चलिए भाई, खाना पीना तो हमारा हो चुका है, अब करते हैं थोड़ी बहुत ख़रीदारी। तो ये है रात का व्यू, थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी और हम लोग आ गए हैं श्री निकेतन में। तो यहाँ पे ना बहुत सारे विंटर के कलेक्शन थे, स्वेटर, जैकेट, शॉल, मतलब एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए यहाँ पे अवेलेबल था। और यहाँ का प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं स्वेटर देख रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे स्वेटर थे, जैकेट थे, बच्चों लोग के लिए भी थे, तो सब कुछ मतलब यहाँ पे मिल जाता है अवेलेबल। एमजी मार्क में कुछ दुकानें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे, मतलब कलेक्शन वगैरह अच्छे थे, प्राइस वगैरह भी ठीक था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो शॉल ऊपर में लगे हुए हैं, ये करीब 600 के समथिंग था। और हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा विंटर का शॉपिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिफ्ट शॉप के अंदर। तो गिफ्ट शॉप के अंदर भी आप लोग को कई तरह के वैरायटीज़ मिल जाएंगे, जो भी आप लोग को चाहिए, डेकोरेट पीस, शो पीस जो भी चाहिए वो सब अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे एमजी मार्ट में। तो थोड़े बहुत हमने भी ख़रीदारी की, ज़्यादा कुछ तो खास नहीं, बट छोटे छोटे सामान हमने भी यहाँ से लिया है। नेक्स्ट हम लोग गए थे सरदार जी के अंदर, और यहाँ का शॉप में ना मतलब सब कुछ था अवेलेबल। कुर्तीज़ थे, सैंडल वगैरह थे, कॉस्मेटिक था, ड्रेसेस थे काफ़ी अच्छे अच्छे, और यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा था, तो 50% ऑफ पे सब कुछ मिल रहा था। तो हमने यहाँ भी थोड़े बहुत जो है ना देखा, यहाँ का कलेक्शन वगैरह देखा। शोपीस के जितने भी शॉप थे ना, सारे में रिपीट थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ और देखा नहीं, क्योंकि एक ही दुकान में जो मिल रहा था ना, वो सारे दुकान में ऑलमोस्ट सेम ही था। और स्वेटर जैकेट वगैरह भी मुझे सेम ही लगा, तो हमने कुछ ज़्यादा ख़रीदारी नहीं किया, बस थोड़े बहुत जो है ना देख लिया, हमने घूम लिया यहाँ का मार्केट। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा शॉपिंग। यहाँ का जो ओपन होने का टाइमिंग है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रात के टाइम में ना ये जल्दी ही बंद हो जाता है, करीब 9 बजे सारी दुकानें क्लोज हो जाती है, और सुबह के 9 बजे ये सारी दुकानें ओपन हो जाती है। मार्केट में और ऑलमोस्ट सारा दुकान ना बंद हो गई है, क्योंकि अभी बज रहे रात के 10 और 9 बजे तक ही खुला रहता है, तो ऑलमोस्ट सारा दुकान जो है ना वो बंद हो रही है। ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो लास्ट में हमें एक दुकान मिला यहाँ पे, एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट मिल गया परिवार। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास, और रूम जाने से भी लेट हो गया था, वहाँ पे खाना शायद नहीं मिलता, क्लोज हो गया था सब कुछ। तो हमने यहाँ पे देखिए रोटी मंगाया है, एकदम प्लेन रोटी है, घी डाला हुआ, उसके बाद एक आलू का सब्जी है, मटर पनीर है और सैलेड है। तो एकदम प्लेन खाने का हम लोग का इच्छा था, तो हमने खाया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत और घूमा। तो चलिए गाइस, कैसा लगा वीडियो को करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।